कुछ देर में जारी होगा सीबीएसई 12th का रिजल्ट। इंटरनल मार्किंग के आधार पर नतीजे किए जाएंगे जारी। कोरोना के कारण परीक्षाएं की गई थी रद्द। मिशन शक्ति अभियान की तीसरे चरण की आज होगी शुरुआत। लखनऊ में सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। मिशन शक्ति के लिए पोर्टल भी होगा लॉन्च। मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने दिल्ली में किया 2 दिनों तक मंथन। उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ सीएम योगी भी रहे मौजूद। राशन वितरण और वैक्सीनेशन पर नजर रखने की कही बात। खराब मौसम के कारण सीएम धामी का रुद्रप्रयाग दौरा रद्द। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का लेना था जायजा। घने कोहरे के कारण हेलीकॉप्टर लौटा वापस। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी ने प्रदेश के ऊपर 3 मुख्यमंत्री थोप दिए। बीजेपी सरकार ने प्रदेश का मजाक बनाया है। वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत उत्तराखंड की खबरों के साथ करेंगे। उत्तराखंड में विपक्षी पार्टी की गतिविधियां इन दिनों बढ़ चढ़कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कई मुद्दों को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर हो रही है। ऐसे में सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरह से इन लोगों का काम केवल एजेंडा यही है कि ये केवल चुनाव पर ध्यान देते हैं, बल्कि हमारा एजेंडा प्रदेश का विकास है। लोगों का मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। कुछ लोगों का एजेंडा केवल और केवल चुनाव है, हमारा एजेंडा प्रदेश का विकास करना है। और खराब मौसम के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ दौरा एक बार फिर से रद्द हो गया। बता दें कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने जाना था, मगर लगातार मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हो गया। बताया जा रहा है कि सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सचिव एसएस संधू और अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार के साथ देहरादून हेलीपैड से केदारनाथ के लिए रवाना हुए, मगर घने कोहरे के कारण हेलीकॉप्टर केदारनाथ लैंड नहीं हो पाया और बीच रास्ते से ही उन्हें वापस देहरादून लौटना पड़ा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम देहरादून स्थित मैक्स अस्पताल जाकर वहां भर्ती कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत से मुलाकात की, जहां उनसे मिलकर सीएम ने उनकी कुशल क्षेमी पूछी है और साथ ही मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। और मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री यतीश्वर आनंद और आचार्य बालकृष्ण ने भी बंसीधर भगत का हालचाल जाना है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मैक्स अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बंसीधर भगत से उनके हालचाल जाने और जल्द ही उनके स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की। और इस दौरान उनके साथ यतीश्वर आनंद भी मौजूद रहे और सभी ने बंसीधर भगत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष अपने 2 दिवसीय दौरे के बाद वापस दिल्ली लौट गए हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन बीएल संतोष आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर कई बैठकों में भी हिस्सा लिया जो आईटी और सोशल मीडिया से संबंधित थी। बता दें कि उत्तराखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में केंद्र और प्रदेश नेतृत्व में अलावा संगठन के तमाम पदाधिकारी सोशल मीडिया पर विशेष जोर दे रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को प्रचारित प्रसारित करने पर भी बल दिया जा रहा है। वहीं अपने दौरे के दौरान राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश में चल रहे महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दों पर भी पार्टियों से फीडबैक लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीएल संतोष ने प्रदेश में भू कानून और देवस्थाना बोर्ड विषयों को एड्रेस करते हुए पार्टी पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। यही नहीं, तमाम अलग अलग बैठकों में आगामी चुनावी रणनीति के साथ साथ पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को समाज में किस तरह से अपना मत रखना चाहिए इस पर भी चर्चा की गई। देखिए, रामनगर चिंतन शिविर में जो विभिन्न 5 टोलियां बनाई गई थी, इनमें मंत्रीगण भी थे और संगठन के लोग भी थे। वो जो जिम्मेदारियां दी गई थी उनके बारे में विस्तृत जानकारी ली है और बाकी दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरह से और मजबूती से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा सके।
और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने प्रदेश के ऊपर 3 मुख्यमंत्री थोप दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं वर्तमान मुख्यमंत्री के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह का व्यवहार बीजेपी ने प्रदेश के साथ किया है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने हमारा मजाक बनाकर रख दिया है, डबल इंजन के नाम पर कोई भी कानून हमारे ऊपर थोप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरीके से अपमानजनक तरीके से 3 मुख्यमंत्री दे दिए, क्या समझ रखा उत्तराखंड को आपने? आपने मजाक बना करके रख दिया हमारे, और कितना कम हो रहा था डबल इंजन के नाम पर तुमने भू कानून और दूसरी तीसरी ऐसी चीज़ें कर दी जिससे उत्तराखंडियत खतरे में पड़ गई, और कटे में नमक डालने का काम जो कुंभ के अंदर जिस प्रकार से हमारी धज्जियाँ सारे देश के अंदर हम शर्मसार हुए दुनिया में है? तो भाजपा किस 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 आधार पर वोट मांगेगी, किस आधार पर आगे खड़ी होगी? देखिए मुख्यमंत्री हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरीके से अपमानजनक तरीके। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि आज CBSE के 12th के जितने भी रिजल्ट है वो घोषित हो चुके हैं। 12th के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं CBSE के। ये बड़ी खबर CBSEResults.net.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी और इंटरनल मार्किंग के आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया है। CBSE 12th के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं और CBSEResults.nic.in पर आप अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और CBSE 12th के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि स्टूडेंट्स के लिए काफी बड़ी खबर, जहां कोरोना को देखते हुए 12वीं की परीक्षा रद्द की गई थी, वैसे इसी बीच अब CBSE की तरफ से रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। CBSEResults.nic.in पर आप अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रोल नंबर भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। काफी बड़ी खबर स्टूडेंट्स के लिए और आज का दिन काफी बड़ा रहने वाला है। हर स्टूडेंट को आज अपना रिजल्ट पता चल जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स 12th में हैं, जिनके एग्जाम रद्द कर दिए गए थे, उनको आज अपना रिजल्ट पता चल जाएगा। CBSE की ओर से रिजल्ट की घोषणा की जा चुकी है और CBSE के आधारित वेबसाइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। CBSEResults.nic.in पर जाकर आप अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रोफेसर नीरज करण सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आज बड़ा दिन रहने वाला है 12th के क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, 12वीं की परीक्षाएं जो थी वो रद्द कर दी गई थी केंद्र सरकार की तरफ से और आज रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं, काफी अहम दिन स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये अहम दिन है विद्यार्थियों के लिए, बादम के बच्चों के लिए। एक बड़े लंबे समय तक एक गैप रहा है शिक्षण प्रशिक्षण का, उस शिक्षण प्रशिक्षण के गैप के बाद में आज 99.37% CBSE का ये पूरी परीक्षा का रिजल्ट कहीं ना कहीं बच्चों में नई उम्मीद और नई आशा फैलाएगा। साथ साथ में जो शिक्षण प्रशिक्षण का दौर जो रुका हुआ था उसके लिए आगे एक नई सेतु और नई कार्य योजना का निष्पादन करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। विद्यार्थियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर जिस प्रकार से CBSE ने अब रिजल्ट की घोषणा कर दी है, स्टूडेंट्स किस प्रकार से अपना रिजल्ट देख पाएंगे? क्योंकि जब ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं होते थे तो एक एडमिट कार्ड स्टूडेंट्स को दिया जाता था जिन पर उनका रोल नंबर हुआ करता था, तो आखिर आज जो ऑनलाइन वो अपना रिजल्ट चेक करेंगे, रोल नंबर कैसे उन्हें मिलेगा और कैसे वो अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर पाएंगे? जी बिल्कुल, ये पूरी लिस्ट जो है CBSE के वेबसाइट पर, आधिकारिक वेबसाइट पर इसको लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर बच्चे अपने रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर डालकर अपना परिणाम देख सकते हैं, पूरी परसेंटेज देख सकते हैं। उसमें ये भी तय किया गया है कि अगर किसी भी तरह की कोई सेटिस्फाइड नहीं है किसी अपने रिजल्ट को लेकर या किसी मार्क्स को लेकर, वो उसमें अप्लाई भी कर सकता है, बता भी सकता है और अधिकारियों से बातचीत करके अपने उस प्रॉब्लम समस्या का समाधान भी तलाश सकता है। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी कहा गया था कि भाई CBSE ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी मौका देगी जो परीक्षा देकर पास करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी एक नया नियम और नए नियम के तहत तो नई पॉलिसी का नियोजन जो है वो CBSE कर सकती है, ऐसा विश्वास है। तो तमाम विद्यार्थी अपनी CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको देख सकते हैं
और अपने रिजल्ट को आगे देखकर उसमें कोई आवश्यकता है तो उस पर अधिकारियों से बात भी की जा सकती है। बिल्कुल नीरज जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट अपने पर जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, उससे संतुष्ट नहीं होता है तो वो आगे आवेदन दे सकता है, तो क्या इसके लिए कोई तारीख आधारित की गई है सरकार की तरफ से या फिर सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कि अप्लाई करने के बाद इस तारीख को उन्हें एग्जाम देना होगा? नहीं, अमूमन ये एक डेडलाइन होती है जिसका नियोजन वेबसाइट पर किया जाता है, जिसका नोटिफिकेशन जो है वेबसाइट पर आता है। वेबसाइट पर आने के बाद में प्रेस रिलीज भी बकायदा सीबीएसई अधिकारी जो है उसको प्रेस रिलीज के तहत तमाम मीडिया संस्थान में भी प्रेषित करते हैं और समाचार पत्र अक्सर इस तरह की खबरें अक्सर छापते हैं। शिक्षा के जो बीट देखने वाले हमारे संवाददाता सब तमाम करते हैं, इसमें कोई दोराई नहीं, लेकिन ये है कि इसको पूरी जानकारी जो है वो विधिवत तौर पर इसको चस्पाया जाएगा उस वेबसाइट पर। और सभी विद्यार्थियों से मेरा ये अनुरोध भी है और ये आदेश निर्देशित निर्देश भी है कि वो जो है इस वेबसाइट को ऑफिशियली देखते रहें। जो भी नोटिफिकेशन वो आएगा वो बताया जाएगा, साथ में स्कूल में भी बताया जाता है और साथ साथ में प्रिंसिपल और शिक्षकों को भी बताया जाता है कि ये नियोजन है और इसको इम्प्लीमेंट किए जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल नीरज जी, लेकिन ऐसे में एक अहम सवाल ये उठता है, जिस प्रकार से हमने देखा कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की वजह से परीक्षाओं को रद्द किया गया और ऐसे में सरकार की तरफ से ये कहा गया है और साथ ही सीबीएसई बोर्ड की तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो वो दोबारा रीअप्लाई कर सकता है, लेकिन आज की जो बड़ी खबर ये भी है कि कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से और सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक की तारीख निर्धारित की गई थी जो बच्चे री एग्जाम देना चाहते हैं, तो एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों के बीच क्या एग्जाम दिलवाना वो भी ऑफलाइन मोड पर संभव हो पाएगा? देखिए, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जैसे जैसे नजदीक आएगा मामला उसके बाद में सोचेगी विचारेगी, इसमें कोई दोराई नहीं है, लेकिन ये पूरा दौर जो रहा है ये कहीं ना कहीं शिक्षण प्रशिक्षण पर एक सवाल निशान जरूर लगाया, लेकिन कई ऐसे नियम बने समय समय पर जो शिक्षा मंत्रालय ने किए, उसके बाद में जो है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उन्होंने इस बात को किया कि भाई विद्यार्थियों की सुरक्षा सबसे अहम है। परीक्षाएं होंगी लेकिन परीक्षाओं का एक विकल्प सही तलाशा जा सकता है, उसी तरीके से उनके उसकी मार्किंग का, उसके एग्जामिनेशन का एक सही विकल्प तलाशा जा सकता है। ये जो समय निर्धारित किया गया है ये तीसरी वेब को ध्यान में रखकर किया गया है, खुदा ना खास्ता अगर वो वेब बच्चों पर प्रभावी रही तो ये फिर दोबारा रोकना पड़ेगा और इसके रोकने के साथ साथ में बच्चे की सुरक्षा अति आवश्यक है, वो सरकार बिल्कुल अच्छे से जानती है और उसी तरीके से उसके नियम अनुपालन की बात कर रही है। परीक्षाओं में भी ये बात इंप्लीमेंट होगी, आगे चलकर अगर कोई परीक्षा का समय निर्धारित होता है तो उसमें बच्चों की सुरक्षा अहम है। हर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए, प्राधिकरण के लिए यह आवश्यक है कि वो बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। परीक्षाओं का विकल्प हमारे पास में बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें आपने ऑनलाइन परीक्षा को देखा ही है और उसी ऑनलाइन परीक्षा या पूर्ववत जो परीक्षाएं या मार्क्स दिए गए हैं उनके आधार पर जो मार्क्स का औसतन तैयार करके उसके बाद में जो रिजल्ट दिया जाता है वो भी एक पद्धति है। कई सारी पेडागोजीज पर काम किया जा रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन सबसे जो केंद्र है वो है बच्चों की सुरक्षा। बिल्कुल नीरज जी, उम्मीद करती हूँ कि आपके जरिए जितने भी 12 के स्टूडेंट हैं उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो कि आखिर किस प्रकार से वो अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं और अगर वो दोबारा से एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।